नमस्कार, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह, हमारे साथ हैं सूरज भड़ाना। इस वक्त हमें कोट गांव में, आपने सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फरीदाबाद नगर निगम ने खोरी गांव तोड़ दिया, जिसमें करीब 10 से 15 हज़ार मकान थे और करीब 50 हज़ार लोग रहते थे, सबको बेघर कर दिया। इसके बाद खोरी गांव के लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने कहा अरावली में बहुत सारे अवैध फार्म हाउस हैं, उन्हें भी तोड़ा जाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम को आदेश दिया, जो भी जंगल एरिया में अवैध निर्माण हो, अवैध फार्म हाउस हैं, उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। उसके बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, एमसीएफ टाइम मांगता है। सुप्रीम कोर्ट 2-3 बार से टाइम दे रहा है, लेकिन अभी तक सिर्फ 12-13 फार्म हाउस तोड़े गए हैं। तो हम देख रहे हैं कोट गाँव में भी बहुत सारे फार्म हाउस हैं, गाँव के लोग इन्हें अवैध बता रहे हैं, ये फरीदाबाद के ही लोगों के हैं। तो यहाँ पर पीछे देख रहे होंगे एक फार्म हाउस दिख रहा है, उसका बड़ा सा गेट यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो ऐसे लोगों ने जगह घेर रखी है, पहाड़ की जगह है और दूर क्षेत्र में इन्होंने कब्जा कर रखा है, अपनी बाउंड्री बना रखी। इधर भी दिखाइए, चारों तरफ दिखाइए, इन लोगों ने बाउंड्री बना रखी है और अपना कब्जा कर रखा है। दूर दूर तक आपको चार दीवारी दिखेगी, बाउंड्री दिखेगी और बड़े बड़े फार्म हाउस भी दिखेंगे। तो हमारे साथ हैं कोट गांव के सरपंच, इनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर यहां पर बहुत सारे फार्म हाउस हमने देखे, कब बनाए गए ये फार्म हाउस? ये 2011-12 में यहां फार्म हाउस बनाए गए थे, उस टाइम कांग्रेस सरकार थी। अच्छा, ये फार्म हाउस किसका है? ये कोई दत्ता करके हैं, सिक्योरिटी वाले फरीदाबाद से, उनका फार्म हाउस है। और ये सारे का सारा इधर का सामने का ये पतंजलि ने कब्जा कर रखा सारी जमीन पे, बाबा रामदेव ने। और सारी खरीदे नहीं, कब्जा कर रखा, पहाड़ की जमीन खरीद तो सकता ही नहीं कोई भी। कब्जा कर रखा, हाँ कब्जा कर रखा सारे। पीछे भी बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं, तो क्या पहाड़ी इन्होंने खरीद लिया? पहाड़ की जमीन के ऊपर से खरीद के नीचे की जमीन पे जो बेस कीमती जमीन है उस पर कब्जा कर रखा है इन लोगों ने। तो इसमें क्या करना चाहते हैं ये? इसमें अब फिलहाल तो 2-4-6 दिन से एफ हुआ चल रही है, जो ये चल रहे भाई अरावली से बाहर है, फरीदाबाद अरावली से बाहर है, उस चक्कर में ये ओयो बनाने की कोशिश कर रहे हैं भाई यहाँ। हाँ, ओयो खोलने की तैयारी है, यहाँ नक्शा बनवाया जा रहा है, रोज की आए दिन की बड़ी बड़ी टीमें आती है, नक्शा बना के यहाँ होटल वगैरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐयाशी का अड्डा बनाने की सोच रहे हैं ये लोग। और पहाड़ में कई जगह इन्होंने कोठी वगैरह भी बना रखी है, वो गैर मुमकिन पहाड़ में, जिसको पहले डीसी कोर्ट में केस चल रहा था, जो 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक एक कार्रवाई चल रही थी भाई पंचायत में दिया जाए, वो अभी भी पेंडिंग है, चल रहा है मामला, जो भी डिसीजन हुआ है अपील डाली जाएगी। वो क्या कभी यहाँ कोई अधिकारी आया नगर निगम का? कई बार अधिकारी आए थे, छोटे छोटे। अच्छा। थोड़ी थोड़ी जगह थे, तोड़ के चले जाते थे। अच्छा। और ये फिर दोबारा दुरुस्त करा लेते थे। कितने एकड़ है इनका ये? 10 से 12 एकड़ का ये है। अच्छा। बाकी ये 40 एकड़ पे 50 एकड़ पे यहाँ कब्जा कर रखा, बाउंड्री कर रखी है। अच्छा। पर पीछे एक भाटिया उसने कर रखा, कम से कम 5-7 एकड़ पे पहाड़ की जमीन पे उसने भी कब्जा कर रखा है। ऐसे ही पतंजलि वालों का आगे भी है, और ये जगह 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 इन लोगों ने काफी फार्म हाउस और कब्जे कर रखे, ये सारे का सारा। हाँ दिखाएंगे चल के, उसको भी देख सकते हैं। आपकी मांग क्या है प्रशासन? जैसा कि खोरी गांव में तोड़ फोड़ हो गई, आप जो अवैध फार्म हाउस जिन्हें आप अवैध बता रहे हैं, उनके खिलाफ प्रशासन से क्या मांग है? हमारी प्रशासन से ये मांग है, पहले पूरी इसकी जांच करके अगर ये अवैध है तो इनको यहाँ से तोड़ा जाए। ये गैर मुमकिन पहाड़ में, पहाड़ अरावली का पड़ता है, अरावली के उसमें कोई भी अवैध कब्जा या कंटेक्शन नहीं हो सकता। अच्छा। जब खोरी गांव की सारी आबादी हटा दी गई है वहाँ से, 50,000 लोगों को बेघर कर दिया गया, तो क्यों नहीं इन बड़े बड़े लोगों को हटाया जाए यहाँ से? तो जैसा कि सरपंच साहब बता रहे हैं, किसी दत्ता का फार्म हाउस है, कोई सिक्योरिटी कंपनी चलाते हैं। तो आइए देखते हैं दत्ता साहब मिलते हैं यहाँ पर कि नहीं। अगर दत्ता साहब से मिलेंगे यहाँ पर तो उनसे बातचीत कर लेंगे, भाई ये फार्म हाउस आपका कब बना, ये वैध है या अवैध है, क्योंकि हमें जो दत्ता साहब है उनका भी पक्ष आपको बताना चाहिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है। तो देखते हैं, वैसे बंद है ये, बहुत बड़ा गेट है, अंदर दिखाइए कोई दिख रहा हो तो। दत्ता साहब बहुत दूर तक आप देख रहे हैं जो है इनका कब्जा है, अंदर तक ऐसा लग रहा है 5-7 एकड़ में इनका कब्जा है, तो दूर तक कोई दिख नहीं रहा है। 10 से 12 एकड़ में। दत्ता साहब नमस्कार। दत्ता साहब, आपके इस फार्म हाउस को सरपंच साहब अवैध बता रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना? यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे। दत्ता साहब अगर मिलेंगे तो हम उनका भी पक्ष जरूर बताएंगे। दत्ता साहब,
दत्ता साहब हैं? कहाँ रहते हैं वो? फरीदाबाद रहते हैं। आप आ जाइए, थोड़ा सा बात करना है। सर नमस्कार। सर ये किसका फार्म हाउस है? ये दत्ता को है। कौन से दत्ता सर? फरीदाबाद रहते हैं। कोई पूरा नाम बताएंगे? मैं श्री और नौजवान हूँ, मैं दत्ता दत्ता हूँ। अच्छा दत्ता ही जानते हैं, पूरा नाम नहीं जानते। फरीदाबाद में कहाँ रहते हैं? या मैं किसडी में। अच्छा आप यहाँ पर क्या देखभाल करते हैं? हाँ चौकीदार हूँ। अच्छा आप चौकीदार हैं? हाँ चौकीदार हैं। दत्ता साहब का फार्म हाउस है। अब दत्ता साहब से बातचीत की जाएगी, कौन से दत्ता हैं, क्या काम करते हैं, कहाँ रहते हैं। फरीदाबाद में सेक्टर 21D बता रहे हैं आप। सर आपसे आप कब से काम करते हैं यहाँ पर? मोहद 5 महीने हुए। 5-6 महीने हो गए सर। यहीं कोट के रहने वाले हैं? कोट के रहने वाले हैं सर। सर नाम क्या है आपका? विक्रम। विक्रम जी चौकीदारी का काम करते हैं, कोट गांव के ही रहने वाले हैं। इनसे बात की, बहुत अच्छा लगा सर। नमस्कार। नमस्कार। अब देखेंगे कौन से दत्ता साहब हैं जिन्होंने यहाँ फार्म हाउस बनाया है। 11 सेक्टर में भी है। अच्छा 11 सेक्टर में भी है। अच्छा 11 सेक्टर में भी कोठी है दत्ता साहब की। चलो दत्ता साहब का अगर ये वैध है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अवैध है तो सुप्रीम कोर्ट शायद इसे भी तोड़ने का आदेश दे दे। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है, क्योंकि अभी लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने लगे हैं। खोरी गांव के लोग भी वहां पर पहुंच गए हैं कि भाई जिस तरह से हमारा तोड़ा गया, उसी तरह से जितने भी इलीगल फार्म हाउस हैं सबको तोड़ा जाए, एक तरफ से तोड़ा जाए। तो आप देख सकते हैं ये चार दीवारी किसकी है सरपंच साहब? ये सारी की सारी पतंजलि ग्रुप ने कब्जा कर रखा है। पतंजलि साहब जो बाबा रामदेव उनकी जमीन है। हाँ जी जमीन तो पहाड़ की है, लेकिन कब्जा कर रखा है पहाड़ की जमीन पर। ऐसे सुना उन्होंने खरीद लिया है? नहीं, जीपी अटॉर्नी पे क्या कर रखा है क्या नहीं किसी ने आके थोड़ी बताया, किसी मालिक ने कब्जा थोड़ी दिया है यहाँ पे। अच्छा ये भी बाबा रामदेव का है? बहुत दूर तक कब्जा है बाबा रामदेव का। अच्छा पतंजलि ग्रुप बहुत पैसे वाला है। बहुत पैसे वाला, जो कोई बोलता है उसी के वो क्या करते हैं क्या नहीं पता नहीं पड़ता। बड़े आदमी है? बड़े आदमी है। और ये दीवार किसकी है? ये को भाटिया है। अच्छा अच्छा ये दीवार कैसे खड़ी कर लेते हैं? पत्थर क्या यहीं के होते हैं क्या? उस टाइम तो पहाड़ों के पत्थर होते हैं। उस टाइम तो यहीं से लिए, कुछ बाहर से लिए। अच्छा लेकिन सारी मिली भगत से सारा काम हुआ था, जो उस टाइम के पीरियड के मौजूदा वो थे सरपंच, वो डीलर थे, यहाँ प्रॉपर्टी डीलर काम करते थे। ये देखिए बाउंड्री आपको दिख रही है और इसके पीछे बहुत बड़ा पहाड़ है। ये देखिए पहाड़ दिख रहा है आपको। तो पहाड़ भी खरीद लिया क्या सरपंच साहब? जिनने पहाड़ खरीद के नीचे जबरदस्ती जो बेस कीमती जमीन है उस पर कब्जा कर रखा है। इसमें करते क्या है? इसमें सारे में फार्म हाउस बना के क्या क्या करते हैं, अंदर गेट खोलते ही नहीं है किसी को। अच्छा किसी को पता नहीं चलता? हाँ, किसी को पता नहीं क्या करते हैं। और कभी आते हैं कुछ पता चलता है? ये पता नहीं जी, कभी हफ्ते दो हफ्ते में आते होंगे, हमारी तो आज तक मुलाकात है नहीं। अच्छा अच्छा तो ये फार्म हाउस है और कोट गांव है। अच्छा ये गेट है फार्म हाउस? हाँ जी। तो आप देख सकते हैं ये चार दीवारी किसकी है सरपंच साहब? ये सारी की सारी पतंजलि ग्रुप ने कब्जा कर रखा है। पतंजलि साहब जो बाबा रामदेव उनकी जमीन है। हाँ जी जमीन तो पहाड़ की है, लेकिन कब्जा कर रखा है पहाड़ की जमीन पर। ऐसे सुना है उन्होंने खरीद लिया है? नहीं, जीपी अटॉर्नी पे क्या कर रखा है क्या नहीं किसी ने आके थोड़ी बताया, किसी मालिक ने कब्जा थोड़ी दिया है यहाँ पे। अच्छा ये भी बाबा रामदेव का है? अच्छा बहुत दूर तक कब्जा है बाबा रामदेव का, जबरदस्ती कब्जा है सारी। हाँ बहुत दूर तक कब्जा है बाबा रामदेव का। अच्छा पतंजलि ग्रुप बहुत पैसे वाला है। बहुत पैसे वाला, जो कोई बोलता है उसी के वो क्या करते हैं क्या नहीं पता नहीं पड़ता। बड़े आदमी है? बड़े आदमी है। और ये दीवार किसकी है? ये को भाटिया है। अच्छा अच्छा ये दीवार कैसे खड़ी कर लेते हैं? पत्थर क्या यहीं के होते हैं क्या? उस टाइम पहाड़ों के पत्थर होते हैं। उस टाइम तो यहीं से लिए, कुछ बाहर से लिए। अच्छा लेकिन सारी मिली भगत से सारा काम हुआ था, जो उस टाइम के पीरियड के मौजूदा वो थे सरपंच, वो डीलर थे, यहाँ प्रॉपर्टी डीलर काम करते थे। उन्होंने तो यहीं से पत्थर जो पहाड़ों से निकालते हैं यहीं से बाउंड्री बना लेते हैं, एक खर्चा बच जाता है इनका एक तरह से फिर तो। हाँ क्योंकि अगर आपको बाहर कहीं करना शहर में तो ईंटों से कराना पड़ता है, ईंटें खरीदोगे सीमेंट खरीदोगे, लेकिन यहाँ पर तो यहीं से पत्थर निकालो बाउंड्री बना लो। ये देखिए बाउंड्री आपको दिख रही है और इसके पीछे बहुत बड़ा पहाड़ है। ये देखिए पहाड़ दिख रहा है आपको। तो पहाड़ भी खरीद लिया क्या सरपंच साहब? पहाड़ खरीद के नीचे जबरदस्ती जो बेस कीमती जमीन है उस पर कब्जा कर रखा है। इसमें करते क्या है?
इसमें सारे में फार्म हाउस बना के क्या क्या करते हैं, अंदर गेट खोलते ही नहीं है किसी को। अच्छा, किसी को पता नहीं चलता। हाँ, किसी को पता नहीं क्या करते हैं। और कभी आते हैं, कुछ पता चलता है? ये पता नहीं जी, कभी हफ्ते दो हफ्ते में आते होंगे, हमारी तो आज तक मुलाकात है नहीं। अच्छा अच्छा, तो ये फार्म हाउस है और कोट गाँव है। अच्छा, ये गेट है फार्म हाउस? हाँ जी। 3184 एकड़ का पहाड़ का रकबा पड़ता है, गैर मुमकिन पहाड़ का। उसी की जमीन लोगों ने पहाड़ के दामों में खरीदी है आने पाने में, और नीचे जो बेस कीमती जमीन है उस पर कब्जा करके बैठे हैं। जिन्होंने कब्जा कराया प्रॉपर्टी डीलरों ने उनको पैसे दिया और उन्होंने लालच में ये सारा खेल कराया। अच्छा, किसी ने खरीदी या जीपीए वगैरह से कराया? ये जीपीए वगैरह से है, खरीदी की रिश्ती तो बंद थी है 2010 से, सरकार में कोई रिश्तियां नहीं हो रही, लेकिन यूपी उत्तराखंड बाहर बाहर से जीपी वगैरह पे खेल चल रहा सारा। सरपंच साहब, आपके कोर्ट एरिया में कितने अवैध फार्म हाउस बने हैं? हमारे कोर्ट गांव में कम से कम ही 50 से 60 फार्म ऐसे हैं जिन्होंने अवैध कब्जे कर रखे हैं। क्या इनकी गिनती उनमें होती है जो सुप्रीम कोर्ट 100-125 गिराने के आर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने? क्या इन फार्म हाउस गिनती होती है कि सब उधर के हैं? नहीं, गिनती होती है, लेकिन बड़े बड़े लोगों के वहाँ रसूख की वजह से यहाँ कोई आ नहीं रहा, यहाँ कोई आ नहीं रहा है। अच्छा अच्छा, तो ऐसी खबरें आती है कि सिर्फ 100-150 अवैध फार्म हाउस है, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं सरपंच साहब, करें 50 तो इसी क्षेत्र में फार्म हाउस, और मांगर क्षेत्र में भी कुछ होंगे जो है। हाँ, मांगर क्षेत्र लगता हुआ है। अच्छा, दोनों कोट मांगर बहुत सारे गांव हैं उधर अरावली की तरफ, बहुत सारे फार्म हाउस है। ये भी अवैध फार्म हाउस बताया जा रहा है, किसी पुराने डीसी का है, अभी के डीसी का नहीं है। अब पुराने डीसी कौन है बाद में जानकारी मिलेगी, लेकिन यहाँ पर कमरा बना हुआ है, कब्जा हुआ पड़ा है। कितनी दूर में है कब्जा सरपंच साहब? यहाँ इसके 8-10 एकड़ जमीन पर है। 8-10 एकड़ जमीन है, काफी जमीन है। तो आप देख सकते हैं इसी तरह के दर्जनों फार्म हाउस यहाँ पर बने हुए हैं, जंगल में, पहाड़ में, अरावली एरिया में। ये किसका है? ये पतंजलि वालों का, बाबा रामदेव। फिर से आ गया बाबा? हाँ, बाबा रामदेव। अरे कितने कब्जे हैं बाबा जी के? बाबा जी दूसरे वाले उनके चेले हैं, कई एकड़ में उनके चेले नहीं है, बालकृष्ण। हाँ, बालकृष्ण जी जो करता धरता है उनके हैं, एक तरह से पतंजलि का है। तो बहुत सारा कब्जा है। ठीक है बाबा जी, कुछ ये बाबा रामदेव की, सब बाबा रामदेव का ही है, पतंजलि का कब्जा सारे। अच्छा, पतंजलि का। हाँ जी, ये सारा जमीन पहाड़ के हिस्से के नंबर की जमीन है। अच्छा, फिलहाल यहाँ तो अभी कुछ बना नहीं। अगर यहाँ बाबा जी जड़ी बूटियाँ उगाए तो बहुत बढ़िया हो, दवाइयाँ बनाए तो फरीदाबाद की जनता का भी फायदा हो, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ये सब है? नहीं, वो नहीं है, वो तो अपने अपने घर।